तो मैं बहुत टाइम से इलेक्ट्रिक व्हीकल से वीडियो बनाऊँ, चाहे वो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स हो चाहे इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर्स हो। तो इस वीडियो में मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि क्यों आप लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदनी चाहिए और वो क्या रीज़न है जिनकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल चूज करनी चाहिए, और ऐसी कौन सी फोर व्हीलर है जो इन सब रीज़नों पर खरीद करती है। तो इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना, कहीं तुम स्किप मत करना। तो धीरे धीरे इंडिया में लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज़्यादा पसंद करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे में एक कंपनी है टाटा मोटर्स, उसने इस चीज़ को परख के एनालिसिस करके अपनी कुछ गाड़ी इलेक्ट्रिक में निकाल दी है। जैसे इलेक्ट्रिक नेक्सॉन होगी, मतलब टाटा नेक्सॉन होगी, टाटा टिगोर होगी, इसका इलेक्ट्रिक वेरिएंट निकाल दिया है। और टाटा टिगोर तो काफ़ी लोगों में अभी पॉपुलर भी हो चुकी है। और जो हम बात कर रहे थे पांच रीजन की कि क्यों आप लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदनी चाहिए, उसमें से पहला तो है फीचर लोडेड होती हैं गाड़ियाँ जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आती हैं, दूसरा है इनकी एग्रेसिव प्राइसिंग की जाती है, और तीसरा सेफ्टी, चौथा है 360 अप्रोच, और पांचवा है चार्जिंग एक्सपीरियंस। तो इन्हीं सबको लेके एक गाड़ी मैंने सर्च की है, टाटा नेक्सॉन, जो इन सब चीज़ों पे खड़ी उतरती है। और यहाँ पे बता दूँ मैं ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये मैं अपनी इंटरेस्ट के साथ बना रहा हूँ, मतलब अपना इंटरेस्ट लेके बना रहा हूँ, अपना रिसर्च करके बना रहा हूँ, किसी ने नहीं दिया है तो चिल। तो बात करते हैं टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल की। ये व्हीकल जो मैंने पाँच रीजन बताया वो उन सब पे खड़ी उतरती है, मतलब इसके अंदर तुम्हें पाँचों फीचर मिल जाएंगे। तो इन्हीं फीचर को हम इसमें डिटेल में बजानेंगे कि कौन सी फीचर्स में क्या है। तो पहले तो बात कर लेते हैं टाटा नेक्सॉन के फीचर्स की, मतलब ये कितना फीचर लोडेड है। टाटा नेक्सॉन देश की पहली स्वदेशी तौर पर विकसित इलेक्ट्रिक एसयूवी है। टाटा नेक्सॉन सनरूफ, लेदर हेड सीट, फॉलो मी होम जैसे फीचर के साथ, ऑटो हेडलैम्प और शानदार ऑडियो के साथ 7 इंच का हार्मन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, और 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। तो ये बात तो होगी कि टाटा नेक्सॉन के अंदर क्या क्या नॉर्मली फीचर मिलते हैं। तो बात कर लेते हैं टाटा नेक्सॉन की प्राइसिंग की, जो मैंने एग्रेसिव प्राइसिंग बताई है ना उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो टाटा नेक्सॉन की जो प्राइस है वो 13,99,000 से लेकर 16,25,000 के बीच में जाती है। टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल ने हुंडई कोना इलेक्ट्रिक व्हीकल और MG ZS इलेक्ट्रिक व्हीकल से कम दाम निर्धारित किए हैं। यह प्राइस टैग नियमित रूप से टाटा नेक्सॉन की तुलना में 25% अधिक है, मतलब हुंडई कोना इलेक्ट्रिक व्हीकल और MG ZS इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो प्राइस है टाटा नेक्सॉन से 25% ज्यादा है। मतलब अगर आप लोग टाटा नेक्सॉन को सिलेक्ट करते हो एज ए SUV तो आप लोगों को 25% कम दाम लेना पड़ेगा एज कम्पेयर टू हुंडई एंड MG। और इसका एक और वर्जन है, मतलब अगर टाटा नेक्सॉन आप लोग खरीदते हो तो आप लोगों को एनवायरनमेंट सेव करने के लिए 25% कम दाम लेना पड़ेगा हुंडई और MG के मुकाबले। तो अब तक तो बात होगी टाटा नेक्सॉन की फीचर्स की और प्राइस की। तो बात करते हैं टाटा नेक्सॉन कितना सेफ है, उसकी सेफ्टी के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक SUV दुर्घटना के दौरान उसके अंदर रहने वाले पैसेंजर के लिए दोहरे एयरबैग हैं, ABS और EBD हैं, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल है, और एक मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर है। कार में एक IP68 कॉम्प्लेंट बैटरी है और मोटर भी है जो व्हीकल को बाढ़ वाली सड़कों या अत्यधिक धूल भरी परिस्थिति में वाहन चलाने की अनुमति देती है। कंपनी के अनुसार टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल का परीक्षण भारत में सबसे कठिन इलाकों में 10,00,000 किलोमीटर तक किया गया है, जिसमें पहाड़ी एरिया काफी शामिल है, कच्ची रोडें हैं, खड़ी ढलाने हैं, बहुत ही खराब मौसम भी इसमें शामिल हुआ है। मतलब सेफ्टी के मामले में टाटा नेक्सॉन को जब टेस्ट किया जा रहा था तो काफ़ी चीज़ों से गुजारा गया था, तब जाके इसको उतारा गया मार्केट में। और NCAP ने भी इसको काफ़ी अच्छी रेटिंग दी है, यहाँ देख सकते हो तुम लोग, मतलब आप लोग कोई बहुत लोग इससे फोन जाएंगे तुम आप। तो बात करते हैं टाटा नेक्सॉन के चार्जिंग एक्सपीरियंस के बारे में, मतलब इसको चार्ज करने पे कैसा एक्सपीरियंस होता है। बहुत से लोगों ने इसका रिव्यू भी दिया है यूट्यूब पे, और उनका ओनरशिप रिव्यू है एक तरह से कि उनको चार्जिंग में क्या क्या दिक्कत आती है, मगर जो कंपनी ने क्लेम किया मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, और जो मैंने रीजन दिया है कि क्यों आप लोगों को खरीदनी चाहिए उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं, एज ए ओनरशिप रिव्यू नहीं दे रहा हूँ। टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल फास्ट चार्जिंग होने का दावा करता है, और इसके अनुसार CCS2 फास्ट चार्जर का उपयोग करते हुए टाटा नेक्सॉन बैटरी को 0 से 80% चार्ज कर लेता है, वो भी सिर्फ 60 मिनट्स में। कस्टमर्स को एक मुफ्त होम चार्ज इंस्टॉलेशन और 24/7 इमरजेंसी चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है। टाटा मोटर्स ने जब टाटा पावर के साथ पार्टनरशिप की थी तो उसको भारत में सबसे ज्यादा कमर्शियल और पब्लिक चार्जिंग नेटवर्क का लाभ मिलता है, मतलब टाटा मोटर्स को सबसे ज्यादा एरिया मिल जाता है अपने चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए और लोगों को फैसिलिटी देने के लिए, सर्विस देने के लिए। और इन सब के अलावा टाटा नेक्सॉन की जो बैटरी है उस पर 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है तुम्हें कंपनी की तरफ से। तो बात करते हैं टाटा नेक्सॉन की 360 डिग्री अप्रोच के बारे में, कि 360 डिग्री अप्रोच है क्या। तो मैं बता दूँ इसका मतलब ये है कि तुम इंडिया में कहीं भी जाओगे तो इसकी तुम्हें सर्विस मिल जाएगी बड़े प्यार से, टाटा मोटर्स का दावा ही है। ये वो जगह है जहाँ भारत ऑटोमेकर टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल की सफलता में बड़ी भूमिका निभाते हैं। टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा केमिकल्स, टाटा ऑटोकॉप, टाटा मोटर्स फाइनेंस और क्रोमा सहित अन्य टाटा समूह की कंपनी के साथ मिलकर टाटा यूनिवर्स नामक ई मोबिलिटी इकोसिस्टम बनाने का काम कर रही है। ये जो टाटा ने अपना ये इकोसिस्टम बनाया है इसके अंदर कस्टमर्स को ई मोबिलिटी फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, जैसे कि मोबिलिटी चार्जिंग सर्विस और रिटेल से रिलेटेड और भी काफी सर्विस कस्टमर को प्रोवाइड कराती है इस इकोसिस्टम के अंदर। अगर टाटा नेक्सॉन लेते हो तो इन सब इकोसिस्टम में वो इंक्लूड हो जाएगा, कि अगर तुम्हें कहीं ऐसे लोकल एरिया में चलेगा जहाँ रिमोट एरिया है तो इस इकोसिस्टम के अंदर आप लोग
इसका फ़ायदा उठा सकते हो, मतलब मोबिलिटी चार्जिंग सर्विस का, अगर बैटरी ख़त्म हो गई है। बाकी डिटेल वगैरह क्या ही करोगे नेक्स्ट लेके। बाकी जो मैंने रिसर्च किया उसके अंदर बस फालतू पॉइंट है, वो उससे बताने का फ़ायदा नहीं बनता, उस पर आप लोग बोरी होगे और कहोगे क्या क्या ही कह रहा है, तो उससे कोई रिलेटेड नहीं है। बस ये मैंने अपने रिसर्च के लिए रख लिया है, क्या मेरे पास पड़ा हुआ है बस। तो अब आप लोगों को पता चलेगा कि वो कौन से 5 पॉइंट हैं जिनकी वजह से आप लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनी प्रायोरिटी रखना चाहिए और मैक्सिमम खरीद ही लेना चाहिए। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ नहीं, अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लो। बाकी तो आप लोगों को पता ही क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।